अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने स्टार्ट किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको पता था हाइट की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते थे। लेट्स सपोज एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, बॉडी हमेशा हाइट से नीचे आने की कोशिश करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बॉडी कभी भी नीचे से ऊपर जाने की खुद कोशिश करे, इस पे हमें लगाने के भेजने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, बट यहाँ से बॉडी हमेशा नीचे की तरफ आती है। तो बॉडी जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आती है। सेम इज़ द केस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करें ना, तो बॉडी हमेशा हाई पोटेंशियल वाले पार्ट से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाई पोटेंशियल क्या, लो पोटेंशियल के। ग्रेविटेशनल फील्ड में तो हाई पोटेंशियल होता है हाइट पे, लो पोटेंशियल होता है बॉटम पे, नीचे की तरफ। जितना नीचे आएंगे पोटेंशियल लो होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में हाई पोटेंशियल, स्टूडेंट दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको कहा जाता है कि इसका पोटेंशियल हाई है। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका कहा जाता है पोटेंशियल लो है। तो इस वजह से हमेशा चार्जेस या कोई भी जो चीज़ है, चार्ज जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आता है। और हमने जो एरो भी लगाए थे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसकी भी वजह यही थी, बिकॉज पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई होता है और वो नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इसको हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई। लेट्स सपोज कि ये प्लेट जो है, इस प्लेट का नाम ए है और इस पॉइंट प्लेट का नाम बी है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर आपने ले जाके एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा Q, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, पॉजिटिव से नहीं बल्कि सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती थी। ये जो है, ये मैं कौन सी डायरेक्शन जाहिर कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसको किससे जाहिर करेंगे, ई के साथ जाहिर किया रहेगा। बट ये चार्ज पॉजिटिव है और चार्ज आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये इस पर फोर्स लग रही होगी। अब स्टूडेंट्स, हमने कल के टॉपिक में देखा था कि वी जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डब्ल्यू ओवर क्यू के इक्वल है, और ये जो थी ये बेसिकली वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती थी। अब अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा वी क्यू, ठीक है। और यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वी क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यू क्या है चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज मींस क्यू। अब बच्चों, यहां पे अगर हम बात करें कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक क्या होगा और बी पे क्या होगा, तो डब्ल्यू ए ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये इक्वल होगी क्यू, चार्ज तो सेम है, सॉरी, ये इक्वल होगी वी क्यू, और इस वी के साथ आप छोटा सा ए लगाएंगे, मतलब ए पॉइंट पे जो है, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बी पॉइंट पे, तो वो इक्वल होगी वी बी क्यू। स्टूडेंट, हमने लेट्स सपोज कि यहाँ पे था 3 जूल, यहाँ पे था 1 जूल, ठीक है, बल्कि ये देखें, यहाँ पे 1 जूल था ये ग्रेविटेशन। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें 2 जूल वर्क करना पड़ेगा, मींस 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे। अब इधर भी हम ऐसे ही करेंगे कि इलेक्ट्रिक हमें कितनी एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी चार्ज को इधर से उधर लेकर जाने के लिए, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज,
सॉरी ये मैं आपको बताती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, हमें अगर तो चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर जाना है तो चार्ज हमें एनर्जी देगा बिकॉज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। बट अगर चार्ज इधर से इधर लेकर आते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे लेट्स सपोज ये हाइट पे है, यहाँ 3 जाउल एनर्जी है, यहाँ चार्ज आता है 1 जाउल पे, तो हमें वो चार्ज यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें कितनी एनर्जी देगा, हमें 2 जाउल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई करेगा वो होगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। ठीक है, डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या है, वी ए क्यू माइनस वी बी क्यू। तो क्यू जो है स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे और अंदर क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इतना पहले आप देख लें। अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम, ये आप इधर एक बुलेट बना लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बुलेट बना लेंगे। अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। एक बॉडी जो होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, व्हेन अ चार्ज इज रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को छोड़ा जाता है, इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल से से ए, फर्ज करें कि वो पॉइंट क्या है, ए है। ठीक है, ये ए, टू द लोअर पोटेंशियल से बी, लो पोटेंशियल फर्ज करें वो बी है, उधर मूव करते हैं। ये देखें, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, लो पोटेंशियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है। ई से जाहिर किया गया, ये चार्ज पर फोर्स लग रही है एफ, जो ए पॉइंट से बी की तरफ जा रहा है। इफ द पोटेंशियल ऑफ ए इज वी ए, अगर ए का पोटेंशियल वी ए है, डेट ऑफ बी इज वी बी, बी का वी बी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दीज पॉइंट्स विल बी क्यू वी ए एंड क्यू वी बी रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों आपको इसने आप इस तरीके से कर लेना, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्यू वी ए, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्यू वी बी एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी। अगेन द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू, चेंज किसके इक्वल होगा यहाँ से यहाँ आने में, क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। मैंने जिस तरीके से आपको स्टेप्स करवाए थे आपने उसी तरह करने हैं। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग सम यूजफुल वर्क, ये एनर्जी हम कुछ कारामद काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थस द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, तो चार्ज ने जो हमें एनर्जी प्रोवाइड की वो इक्वल होगी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। अच्छा स्टूडेंट, आगे जो है ना वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद ये है कि यहाँ इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इसके दरमियान जो फर्क है उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 वोल्ट है, सॉरी यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2V, मतलब क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी वो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की इन्होंने कहा है, इफ क्यू इज 1 कूलम, अगर क्यू जो है वो 1 कूलम हो, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो जो यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ हमें चार्ज को एनर्जी देनी पड़ेगी वो उसी के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज, सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज से जो एनर्जी प्रोवाइड करती है एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेट्स सपोज इधर से इधर आने में चार्ज जो मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो चार्ज हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ये एनर्जी, उस एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल दैट इज अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन, एनर्जी वुड हैव टू बी सप्लाइड टू। देखें, इफ अ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, ये देखें, ये पॉजिटिव लेट्स सपोज पार्ट है, ये लेट्स सपोज नेगेटिव पार्ट है। अब स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि ये लो से अगर हमें हाई की तरफ चार्ज को लेकर जाना हो तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन लो से अगर हाई आए, मतलब
हाई से लो की तरफ आए तो वो हमें एनर्जी देगा, लो से हाई मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की डायरेक्शन फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा, तो एनर्जी हमें हमें खुद उस पर वर्क करना पड़ेगा. इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल मीन नेगेटिव, हायर पोटेंशियल मीन पॉजिटिव. अगर चार्ज को हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भेजते हैं अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड की सिमत के मुखालिफ, एनर्जी वुड हैव टू बी सप्लाइड टू इट, तो हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट भी स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस. आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़.